दिल्ली के लोगों का सामना एक बार फिर ऑड इवन स्कीम से हो सकता है। केजरीवाल सरकार राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए फिर से ऑड इवन फॉर्मूला शुरू करने पर विचार कर रही है। इसके लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और परिवहन विभाग के अफसरों को पत्र लिखा गया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों की संख्या पर लगाम लगाने के लिए सरकार ऑड इवन के लिए पहल कर रही है। पिछले साल जनवरी और अप्रैल में 15-15 दिन के लिए ये स्कीम लागू की जा चुकी है। दिल्ली सरकार ने डीटीसी और परिवहन विभाग के अफसरों से कहा है कि बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए सरकार कुछ आपातकालीन फैसले लेने जा रही है। इसमें ऑड इवन भी शामिल है। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली जाए ताकि इसे जल्द शुरू किया जा सके। दिल्ली की आबादी को देखते हुए ऑड इवन स्कीम लागू करने से पहले डीटीसी की बसों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि मेट्रो को छोड़ दिया जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की खराब हालत इसे लागू करने में बड़ी चुनौती है। ऑड इवन स्कीम के तहत एक दिन सम और एक दिन विषम नंबर की गाड़ियां चलाने की इजाजत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।